आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र भाटी पर केस दर्ज कर लिया गया है। सराफाबाद में भाटी ने लोगों को बोगस वोटिंग के लिए उकसाया था, जिसके बाद उन पर यह केस दर्ज हुआ है। इलेक्शन कमीशन से डर नहीं गए तुमने? कितने वाहन लगा दिए? मैंने कहा जी बाद में मुकदमे वापस ले लेंगे, कोई लग जाएंगे दो चार मुकदमे तो अब तो आर पार की लड़ाई है। मैंने कहा मुकदमे लगते रहेंगे। मैंने कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाने वाले ये नेता नरेंद्र भाटी हैं, नोएडा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनका एक और परिचय भी है। जी हाँ, इन्हीं के कहने पर अखिलेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के SDM दुर्गा शक्ति नागपाल का ट्रांसफर कर दिया था। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भाटी साहब इस जुमले को बखूबी जानते हैं, इसलिए इस बार कानून पर पिल पड़े। कहा चिंता मत करो, चुनाव के दौरान अगर मुकदमा हो जाएगा तो चुनाव के बाद मुकदमा वापस करा दिया जाएगा। सरकार अपनी है, सरकार है, जितने भी कार्यकर्ता पर लगेंगे सब अगले महीना उल्टे ले लेंगे। तो हाँ सर, तो बोले हाँ ये तो बात है। मैंने कहा अब सरकार में इतना फायदा भी नहीं लेंगे। मैंने कहा तमाम लोकसभा के क्षेत्र में कई भी कार्यकर्ता पे कोई भी मुकदमा कैसा ही भी लग जाएगा मैं सब उल्टा करवा दी। मुख्यमंत्री बहुत खुश थे। नरेंद्र भाटी खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, लेकिन जब लखनऊ में पत्रकार अखिलेश यादव से नरेंद्र भाटी पर सवाल पूछते हैं तो वो हंसते हुए कहते हैं आप लोगों ने हमें और भाटी जी को बदनाम कर दिया है। अच्छा, नरेंद्र भाटी और हमें तो दोनों को मिलकर आपने बहुत बदनाम किया था। अखिलेश ये भी कहते हैं कि अरे वो तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसमें गलत ही क्या है। अभी हमने देखा नहीं है बयान क्या है, लेकिन अगर कहीं वो बूथ की और तैयारी में लगे हैं तो बूथ पे तो तैयारी की अपील करनी पड़ेगी कार्यकर्ता को। जब हम चुनाव में जाते हैं तो यही तो कहते हैं कि बूथ पे अच्छा वोट दिलाना और आसपास संपर्क करके रखना कि वो बूथ भी जीत जाए। वाह अखिलेश जी वाह, आपके नेता खुलेआम कानून तोड़ने के लिए लोगों को उकसाते हैं और मीडिया जब आपसे सवाल करती है तो आप कहते हैं कि मीडिया बदनाम करती है आपको। क्या आपकी नजर में कानून का मखौल उड़ाना चुनाव प्रचार है? ग्रेटर नोएडा से ताहिर सैफी के साथ विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज़।